सोलन में भी एक हादसा हुआ। सोलन के सराहा इलाके में एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि इस वाहन में 8 लोग सवार थे। इस घटना में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से सोलन अस्पताल पहुंचाया गया। सराहा के समीप एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। वाहन में 8 लोग सवार थे, जिनमें से वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 7 गंभीर रूप से घायल लोग हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से सोलन अस्पताल लाया गया। फिलहाल जानकारी के अनुसार यह वाहन बहुत तेज गति से था, जिस कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और अनियंत्रित होकर वाहन करीब 500 फीट गहरी खाई में गिर गया। घटना के बाद घायलों को गाँव के लोगों के सहायता से निकाला गया, जिन्हें आपातकालीन सेवा द्वारा सोलन के अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। अस्पताल में आए घायलों के परिजनों ने कहा कि गाड़ी में सवार सभी लोग रिश्तेदार थे और गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से कार चालक की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन बाकी सवारियां गंभीर रूप से घायल हैं। ये जो गाड़ी बुक की गई, जिस यहाँ से चिरंजी के लिए बुक की गई, इसमें जो भी थे मेरे रिश्तेदार थे सारे, जिसमें मतलब गाड़ी नहीं थी बिल्कुल। अब ये कोई बता नहीं क्या बात हुई उन्हें, क्या नहीं हुआ ना, जिसमें वो ड्राइवर तो एक्सपायर हो चुका है और बाकी किसी की बाजी टूट गई है और चोटें बहुत आई। तो ये थी खबर सोलन के सराहा इलाके से, जहां एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस घटना में चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। के चैनल के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।